तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोगों? प्लीज आप लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं द ड्रीमिंग बॉय इज रियलिस्टिक के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो बिना वक्त हुआ है, हम लोग बढ़ेंगे इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो न चुका हुआ होती है वो अकेले बैठी होती है और अब उसका साथ देने वाला कोई होता नहीं, क्योंकि जो इन लोगों की सीटें होती है वो थोड़ी अलग हो गई होती है और जो साजो होता है वो उसको इग्नोर करना शुरू कर चुका होता है परेशान होकर। तो मजबूरी में वो बिल्कुल अकेले होकर बैठी होती है और साजो को याद आने लगता है किस तरह से वो हमेशा उसका पीछे रहा करता था, जिसकी वजह से जो लड़कियां थी वो उससे बात नहीं करती थे, लड़के थे वो भी बात नहीं करते थे और अब उसका कोई दोस्त बचा नहीं है। फिर साजो ठान लेता है कि इसको इसकी जगह वापस दिला के रहेगा सबके बीच। नाचुकावा के पास जाती है, अशीदा उसे गले लगा लेती है, वो थोड़ी बहुत बात करने लगते हैं। जो साजो होता है वो निकल पड़ता है बाहर की ओर, उसको एक लौंडा पकड़ लेता है। देखने को मिलता है जो नाचुकावा होती है उसके तरफ ध्यान देती है, लेकिन जो साजो होता है वहां से चला गया होता है। और सामने से देखने को मिलती है एक और लड़की जो उसके सामने आ जाती है, सर रोक लेती है और वो उससे बात करना चाहती है। वो कहती है क्या तूने कल उस लड़की को डराया था? ये उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि हाँ वो मेरी गलती थी कि वो इतना ज्यादा डर गई थी। और ये लड़की कहती है तू यार तू माफी क्यों मांग रहा है, तेरा इंटेंशन गलत था, तूने उससे बात करने की कोशिश की, उसने बात नहीं करी, तेरी गलती नहीं है, तो बस मजाक कर रही। और उसके बाद पता चलता है वो जो लड़की थी वो उसकी सीनियर थी और ये उससे बात करना चाहती है। और इस लड़की का नाम होता है शिनोमिया और वो इसकी सीनियर होती है और कह रही होती है कि उस लड़की का ऐसा एटीट्यूड इसलिए था क्योंकि वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उसकी लड़कों की तरफ। और ये जो लड़की होती है ये कुछ डिस्कस करना चाहती है साजो के साथ, साजो थोड़ा सा शॉक में होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट गाइडेंस रूम में चले जाते हैं और वहाँ पे वो बोलने लगती है कि मैं कन्विंस हो गई हूँ कि तेरा कोई भी ऐसा मोटिव था नहीं उससे बात करने का और तेरी बातों से मुझे पता चल गया है कि तू भाई उससे पीछे तो बिल्कुल नहीं है एटलीस्ट। और वो बताने लगती है जिस लड़की से इसने बात की उसका नाम था यू और वो मोरल और डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि वो लड़कों के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है और वो बात करने में बहुत ज्यादा डरती है। और ये जो लड़की होती है ये हेल्प करना चाहती है उस लड़की की ताकि उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो दोबारा से बढ़ जाए, क्योंकि ये मोरल बिल्डिंग वाली सोसाइटी की पार्ट होती है और इसमें चाहिए होती है उसके साजो की हेल्प। और साजो जो होता है वो स्ट्रेट बैक आंसर देता रहता है, तो उसको लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल मुंहफट है और जो चीजें होती हैं वो साफ बोलता है, तो ये शायद हेल्प कर सकता है। वो इसे पूछती भी है कि वो क्या कर सकती है उसकी हेल्प करने के लिए और ये उसे बस ये बोलता है कि बस उसे ये समझाना सारी चीजों को अपने ऊपर सोकअप ना होने दे। और वो बताने लगता है कि किस तरह से तुम किसी और इंसान को जबरदस्ती किसी चीज में नहीं डाल सकते हो, उसको तुम बस मोटिवेट कर सकते हो, सिंपथाइज थोड़े बहुत कर सकते हो, लेकिन वो खुद ही पॉजिटिव स्टेप लेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। और वो लड़की जो होती है वो सॉरी बोलती है इसको और ये जाने के लिए तैयार होता है। उतने में ही वो इसका नाम पूछती है और ये नाम बताता है या मजाक, हालांकि ये नाम जो होता है वो झूठा नाम होता है पूरी तरह से। उसके बाद देखने को मिलता है जो लंच टाइम होता है वो पूरा गायब हो चुका होता है, उसको भूख भी लगी होती है। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, उसके हाथ में बहुत सारा सामान होता है, उसकी बहन जो होती है उसको कैरी करने के लिए कहती है और उसको कहती है कि साथ में चल। नाचुकावा के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं जाते जाते ये लोग, अलग ही बोलने लगता है कि भाई वो बस मेरी क्लासमेट है उसके अलावा कुछ नहीं है। और नाचुकावा जो होती है अकेले जा रही होती है, उसकी बहन उससे सारा सामान ले लेती है और नाचुकावा को गुड मॉर्निंग बोलती है और आगे निकल जाती है। और साथ में जो साजो होता है नाचुकावा के चलने लगता है, साजो के साथ थोड़ी बहुत बातें करना चाहती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। उतने में देखने को मिलता है अशिदा जो होती है वो आ जाती है और वो बताने लगती है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है और हमारे क्लास के अंदर सीनियर्स आके बैठी हुई है। साजो जो होता है छुप के देखने की कोशिश करता है और वो कहता है तुम लोग आगे जाओ मैं देख लूंगा। और वो जो लड़की होती है वो बाहर झांक लेती है और साजो के पास आ जाती है और वो इसको यामाजाकी कह के बोलती है और गंदा सा मूव बनाती है, जिसके बाद ये लोग फाइंड कर लेते हैं कि भाई ये इसका एक्चुअल नाम नहीं है और स्टूडेंट गाइडेंस रूम के अंदर इसको बुलाया जाता है। जो नचुकावा होती है वो भी इन लोगों को पहचानती है और कह रही होती है वो मोरल और डिसिप्लिन कमेटी वाले थे ना, तुमने क्या ऐसा कर दिया कि ये लोग तेरे पीछे आए हैं। उसके बाद यामाजाकी होता है वो एक्चुअल में आगे से पकड़ लेता है इसके गले से दबाने लगता है। साजो जो होता है वो यामाजाकी से कहता है ये लड़की तेरे टाइप की है ना, इसलिए मैंने तेरा नाम लिया उसके सामने ताकि तुम लोगों के बीच में बात बन सके। उसके बाद देखने को मिलता है जो साजो होता है वो जाता है स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर और सबसे पहले तो वो खाना लेके जाता है क्योंकि पिछले दिन बेचारा वो लंच कर नहीं पाया था, तो उसको देता है खाना। और वो बोलती है कि जो यू है वो भी हमारे साथ है तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए वो चॉकलेट रहता है, चॉकलेट उसको देने की कोशिश करता है, वो डर जाती है और उसके पीछे छुप जाती है, तो फिर वो उस लड़की के हाथ में देता है और वो उसको ट्रांसफर करती है। अगेन इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, बातें क्लियर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि झूठा नाम क्यों लिया गया था और क्या सिचुएशन बनी थी। और जितनी भी चीजें ये बोल रहा होता है जो यू होती है उसको सारी चीजें समझ में आ रही होती है, लेकिन जो ये हेड होती है इसको चीजें समझ में नहीं आ रही होती है। और जो साजो होता है वो कहता है यू सेंपाई जो है वो सारी चीजें समझ रही है तो उनसे पूछ लो, लेकिन वो डर जाती है उसके पीछे छुप जाती है और इसको सॉरी बोलता है। उतने में जो यू होती है उसको समझाने लगती है कि यामाजाकी जो है वो डिलाइटेड था रिन से क्योंकि तू बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसका नाम लिया गया तेरे द्वारा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए शायद वो नाम लेना सही। उसके बाद जो साजो होता है वो सॉरी बोल के वहां से
जाने लगता है, लेकिन वो लोग रोकती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे तेरे को बुलाने का मेन मकसद ये था ही नहीं। और मेन मकसद ये था कि यू जो थी वो माफी मांगना चाहती थी तुझसे। और वो अटकते अटकते किसी तरह से सॉरी बोलती है कि उसने उसकी काइंडनेस का सही से जवाब नहीं दिया तो उसके लिए सॉरी। और वो थैंक यू बोलती है कि उसने कॉल आउट किया था जब उतना सारा सामान लेके जा रही थी, लेकिन उसने उसकी रिजेक्ट कर दी थी। और वो बोल रही होती है कि वो अपना मैनर को फिक्स करेगी और अपना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है टुवर्ड्स मैन वो भी सही करने की कोशिश करेगी और वो अपना पूरा कोशिश करेगी। ये उसको ऑल द बेस्ट विश करता है और वहां से चला जाता है। उतने में क्लास में जाता है, क्लास में जाकर देखता है जो नाचुका वो होती है उसके अराउंड बहुत सारी लड़कियां होती हैं और सारी उससे बात कर रही होती हैं, जिसको देखिए अशिता भी बहुत ज्यादा खुश होती है और साजो जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और उसकी बहन को उतने में देखने को मिलता है, मैसेज आ जाता है और उसको वहां से जाना पड़ता है। जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि उसको मदद चाहिए उसके काम में, क्योंकि जो समर वेकेशन है वो आने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो उसकी हेल्प चाहिए। और वो अपनी बहन से थोड़े बहुत मजे ले रहा होता है, लेकिन वो उसको एडमिन ऑल स्टफ दे देती है, वो काम करना शुरू करता है और देखने को मिलता है वो देखते देखते सारे काम शुरू कर देता है। हालांकि वो चाहता नहीं है करना, लेकिन वो करता है और देखने को मिलता है वहाँ पे और भी 5-6 लड़के होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और जो इसका काम होता है वो परफेक्ट होता है और सारे के सारे जो लोग होते हैं वो उसके काम से बहुत खुश होते हैं। और जो उसकी बहन होती है ऑलरेडी इसकी तारीफों के पुल बांध चुकी होती है सबके सामने और कह चुकी होती है कि भाई वो बहुत ही अच्छा है काम करने में। और जब सारे लोग तारीफ कर ही रहे होते हैं तो इसको समझ में आ जाता है कि इसको कल दोबारा बुलाया जाएगा, हालांकि ये आना चाहता नहीं है, लेकिन इसकी बहन ये कहती है इसके लिए पोर्नो मैक खरीदेगी वो भी बड़ा वाला, तो जिसके जरिए ये खुश हो जाता है और ये कहते हैं कि मैं चलो जरूर आऊँ। उसके बाद देखने को मिलता है जो यू होती है और रिन होती है वो दोनों जा रही होती है। जो होती है वो यू से पूछती है क्या तू साजो के बारे में सोच रही है, तो वो हाँ में जवाब देती है और कह रही होती है कि मैंने शायद कुछ ऐसी चीज बोल दी थी जिसके बाद वो गुस्सा नजर आया था। हालांकि वो उसने जिस तरह से मुझे देखा था और उसका जो लुक था वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड, क्या मैंने जो चीज बोली थी वो गलत थी। और जो रिन होती है उसको शांत करती है और उसे बोलती है कि यार ठीक है कोई बात नहीं सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब क्लास का माहौल देखने को मिलता है, जो नाचुका होती है उसको बैग को देखती है, फिर अपना मुंह बनाती है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। फिर बाकी जो लड़कियां होती है नाचुका कहती है कि वो उसके पे आना चाहती हैं, उसकी बहन से मिलना चाहती हैं और ये हाँ में जवाब देती है। इवन अशिता भी कहती है तो वो बिल्कुल मान जाती है। जो साजो होता है वो अंदर आता है, अशिता उससे बोल रही होती है क्या वो भी जाना चाहेगा, लेकिन नाचुका जो होती है बोलती है कि वो अपनी बहन को इसके पास आने नहीं देगी, तो अशिता कहता है कि हाँ मैं समझ ही गया था और सैड सा मूव बनाता है और वहां से चला जाता है। क्लास का वक्त चल ही रहा होता है, इससे लोग डिसाइड कर रहे होते हैं और जो साजो होता है अपना बैग उठाता है और वहां से निकल जाता है बिना कुछ बोले। जो नाचुका होती है वो पीछे से आती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, वो पूछ होती है क्या तू सच में नहीं आने वाला है मेरे घर, ये कुछ जवाब ही देता। उतने में देखने को मिलता है जो रिन होती है वहाँ आ जाती है और कह रही होती है क्या वो साजो को थोड़ी देर के लिए बोरो कर सकती है, अगर तुम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तो खत्म कर लो मैं वेट कर लेती हूँ। हालांकि नाचुका कहती है कि नहीं कोई बात नहीं और चले जाओ और वो उसको लेके चली जाती है। जो रिन होती है वो बता रही होती है कि उसने साजो की एडवाइस को फॉलो किया और वो सपोर्ट कर पाई यू को, लेकिन एक और नई सेपरेट प्रॉब्लम अकर हो गई है और ये बताने लगती है किस तरह से जो यू है वो डिप्रेस थी अभी भी, उसको ये लगता है कि वो इसको कन्विंस नहीं कर पाई थी और समझा नहीं पाई थी अपनी चीजें। साजो कहता है ये नहीं ऐसा नहीं और चीजें बोल रहा होता है और जो रिन होती है उससे कहती है कि जो चीज सच है वो बता और जो तेरे रियल ओपिनियंस हैं वो बता झूठे वाले नहीं। और साजो कहता है एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, जो एनाटॉमी है वो उसका जो रिजॉल्व है वो बहुत ही बेकार है, वो मजबूत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो यू है उसने माफी मेरे लिए नहीं मांगी थी, सिर्फ अपने गिल्ट को कम करने के लिए मांगी थी। वो बस खुद से ही परेशान हो चुकी है, वो फेड अप हो चुकी है खुद से, क्योंकि वो अपनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो दिखा रही है लोग और उसको बेकार लगने लगता है कि उसने किसी और इंसान की काइंडनेस को रिजेक्ट कर दिया था। रिन कहती है तो इसलिए डिसअपॉइंटेड था, तो ये कहता है नहीं अगर बात ये थी तो मैं उसे प्रेस करता और ये सारी चीजें होल हार्टेडली लेता, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद आई। फिर उसके बाद वो बोलने लगता है जिस तरह से वो सारा इंसिडेंट हुआ था टकराने वाला उसको एक स्टेपिंग स्टोन बना रही है यू सेंपाई और मुझे इस्तेमाल कर रही है अपने गिल्ट को कम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और ये बोलने लगता है अगर उसे सिर्फ माफी ही मांगने लगती है और उसको सारी चीजें सही करनी होती है तो वो रिन को साथ में लेके नहीं आती, वो खुद से आती और वो अगर ओवरकम करना चाहती है तो वो कभी भी उसका सहारा नहीं लेती। ऑफकोर्स तेरे को साथ में लाना उसको करेज देगा, लेकिन अगर वो ओवरकम करना चाहती है तो उसको डरना नहीं चाहिए था, उसे अकेले आना चाहिए था बात करने के लिए, यही चीज मैं सोच रहा था। जो रिन होती है वो कहती है तू एक्चुअली बहुत अच्छा है लोगों को पढ़ने में, और साजो बोलता है अब तक वो सारी चीजें वो इग्नोर मारता रहा कि तारा सारा फोकस सिर्फ एक इंसान का था, उससे पूछता है कि मैं अब जा सकता हूँ और वो सारी चीजें बोल के वहां से निकल जाता है। और देखने को मिलता है ये सारे के सारे लोग जो होते हैं वो नाचुका के घर पे होते हैं, उसकी छोटी बहन जो होती है सारे बच्चों के साथ खेल रही होती है, सारी लड़के देख के काफी मुस्कुरा रही होती है और जो साजो होता है वो एक किनारे में बैठा होता है और ये काफी ज्यादा क्यूटनेस से भरा वाला पार्ट होता है जिसको देख सभी लोग खुश होते हैं मुस्कुराते हैं और एपिसोड का हो जाता है। अब बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड,
यार एपिसोड जो था वो काफी ज्यादा अच्छा था, देखने में काफी ज्यादा मजेदार था। किस तरह चीजें टर्न आउट हो रही हैं वो भी देखने में मजा आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।